अबे यार सिंचन माइकल ने मुझे भाई फोन करके इतना ज्यादा हड़बड़ी में क्यों बुलाया यार। अरे यार फेकी भैया मुझे क्या पता यार, माइकल भैया के घर ही चल के देखो ना यार। माइकल भैया इतना ज्यादा हड़बड़ी से फोन करके आपको क्यों बुलाया? हाँ यार वैसे तो तूने बात बिल्कुल सही कहा कि यार मुझे अभी जाना पड़ेगा अपना माइकल के घर पे, क्योंकि यार माइकल ने गाइस मुझे अभी अभी जस्ट फोन किया एंड उसने मुझे भाई इतना ज्यादा हड़बड़ी से बुलाया ना उसके घर पे, ताकि यार उसके पास कुछ हो गया हो। बाकी यार मैं अभी और सिंचन हम दोनों मिलकर जा रहे गाइस यहाँ पर माइकल के घर पे। एंड गाइस अभी माइकल के घर पे चल के ही अपने को देखना पड़ेगा कि यार माइकल के साथ क्या हुआ क्या नहीं। एंड भाई वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि यार उसने मुझे जल्दी से जल्दी आने के लिए बोला उसके घर के लिए उसके घर पे। बाकी यार सिंचन जल्दी से बैठ जाए यार, ज्यादा लेट नहीं करना, माइकल क्या पता भाई कोई मुसीबत पे होगा। अरे चलो मैं बैठ गया। तो चलो यार सीधा चलते है अभी माइकल के घर पे दोस्तों, एंड देखते है अपने माइकल के साथ क्या हुआ क्या नहीं। वैसे तो यार माइकल ने बोला मैं घर पे हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन भाई तू जल्दी से जल्दी आ जा मेरे घर पे, बहुत जरूरी काम है तेरे से। तो यार अभी मुझे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा काम है कौन सा नहीं। एंड भाई वो ना बहुत ज्यादा घबराया हुआ था एंड वो बार बार बोल रहा था भाई तेरे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर पाएगा, तुझे ही आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हाँ भाई मैं तेरे लिए हर टाइम हाजिर हूँ, तो भाई तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं आ जाऊंगा। तो मैंने सोचा था सबसे पहले कि मैं अकेला ही जाऊँ, लेकिन जब उसने बोला कि भाई एक जरूरी काम है तो तू भाई आ जा, तो उसी वजह से मैंने भाई अपना सिंचन को भी लेके आया। बाकी चलो यार फाइनली हम लोग भाई अपने माइकल के घर के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, इधर से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। और राइट दोस्तों यहाँ पर माइकल के घर पे तो वैसे गाइस हर टाइम इतना ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड रहता है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही है यार अपना माइकल कितना ज्यादा अमीर बंदा है। बाकी यार यहाँ पर देख सकते हो माइकल के पास से भाई मतलब तगड़ा से तगड़ा लग्जरियस गाड़ी है दोस्तों। एक काम करते हैं अपने इस गाड़ी को गाइस इधर पे पार्किंग पे रख देते हैं, कि यहाँ पर गाइस माइकल का सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा है। सिंचन आ जा उतर जा भाई। यार अपने माइकल भैया के पास बहुत ही ज्यादा तगड़ा तगड़ा सुपर कार है यार फेकी भैया। हाँ यार वो तो है अपने माइकल के पास भाई तगड़ा से तगड़ा सुपर कार, गाइस आप लोग देख सकते हो यार। यहाँ पर भाई माइकल ने ये सब गाड़ी कब परचेस किया यार? ये देखो यार अपने पास भी गोल्डन का थार रॉक्स था जो की 5 डोर वाला था। देखो माइकल के पास ऑलरेडी गोल्डन सुपर कार है गाइस, आप लोग देख ही सकते हो यार। एंड इधर पे गाइस आप लोग देख सकते हो अपना माइकल के पास भाई गोल्डन बेंटली है यार। सिंचन देख रही है भाई? अरे यार फेकी भैया माइकल भैया के पास 2-2 गोल्डन कार है, लेकिन अपने पास तो 3-3 गोल्डन कार है। हाँ यार वैसे तो अपने पास 3-3 गोल्डन कार है गाइस, एक अपना थार रॉक्स 5 डोर, सेकंड गाइस अपना फॉर्च्यूनर लीजेंडर गोल्डन कार, उसके बाद स्कॉर्पियो S11 गोल्डन कार। बाकी यार इधर पे भी यार इसके पास भी और एक गाइस गोल्डन कार है, एंड ये भी गाइस आप लोग देख सकते हो बेंटली है। बाकी यार अपने माइकल के पास भाई 5-5, बाकी यार अपने माइकल के पास भाई 3-3 गोल्डन कार है, मेरे पास भी 3-3 गोल्डन कार है। एंड इधर पे देखो गाइस माइकल के घर के बाहर भाई उसका रोल्स रॉयस, यार रोल्स रॉयस पे भाई अपना माइकल घूमता है भाई। माइकल दिन ब दिन भाई अमीर होता जा रही है। वैसे यार भाई गाड़ी के चक्कर में भाई मैं माइकल का बात ही भूल गया था, उसने मुझे जल्दी से जल्दी बुलाया यार, अभी मुझे जाना पड़ेगा। वैसे तो यार माइकल अभी अपना गार्डनिंग साइड पे होगा, क्योंकि यार उसने बोला था कि मैं गार्डनिंग एरिया पे हूं। चलो यार फटाफट चलते है दोस्तों। बाकी सिंचन तो आ रही है ना? अरे यार फेकी भैया रुको यार, मेरे लिए ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मुझे न मार दे। अबे नहीं नहीं तुझे क्यों मारेगा, तू जल्दी से आ जा। अरे यार लो मैं आ गया, जल्दी से जल्दी चलो अभी माइकल भैया के पास। हाँ यार वो तो जाएंगे, बाकी यार इधर पे तो भाई सब टेनिस वाले एरिया पे तो कोई भी नहीं है गाइस, आप लोग देख सकते हो। एक काम करते ऊपर वाले साइड पे चलते हैं स्विमिंग पूल एरिया पे, एंड देखते हैं स्विमिंग पूल एरिया पे है कि नहीं अपना माइकल। गाइस चलो अभी आराम आराम से चलते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर देखो, अरे भाई बॉडीगार्ड यहाँ पर भाई सिगरेट पी रही है। अरे ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिगरेट क्यों पी रही हो, मैं बता दूं क्या यार माइकल को? अरे फ्रैंकलिन सर मत बताइए ना माइकल सर को, नहीं तो यार मुझे नौकरी से निकल जाएगा। प्लीज सर मत बताइए यार माइकल सर को, प्लीज। अबे ठीक है नहीं बताऊंगा। बाकी यार सिगरेट वगैरह थोड़ा कम पिया कर, क्योंकि ये सब पीना बहुत ज्यादा बुरी बात है। बाकी छोड़ो इसको भाई। एंड ये देखो माइकल इधर पे फोन पे लगा हुआ है दोस्तों। चलो यार यहाँ पर देखो माइकल का स्विमिंग पूल देख रहो का, कितना ज्यादा सुंदर है। उधर पे खाना वगैरह भाई बन रही है। अरे माइकल क्या हाल चाल भाई, मुझे इतना हड़बड़ी में क्यों बुलाया ब्रो? अरे यार फ्रैंकलिन तू इतना जल्दी आ गया? अरे यार तुमने ही तो भाई मुझे इतना हड़बड़ी से बुलाया, मैं उसी वजह से यार गाड़ी को स्पीड से भगाते हुए भाई ले आया तुम्हारे पास। बताओ यार क्या मुसीबत हो गया भाई, इतना जल्दी मुझे बुलाया? अरे यार फ्रैंकलिन एक दिक्कत हो गया यार। अबे भाई क्यों, क्या दिक्कत हो गया भाई, बताना मुझे। अरे यार बताने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया यार फ्रैंकलिन। अबे हाँ तो बताना भाई। अरे यार फ्रैंकलिन मैं क्या बताऊँ, अपना जो लॉस सैंटोस स्कूल था ना। हाँ अपना लॉस सैंटोस का स्कूल जो पहाड़ी वाला था वो ना। अरे यार हाँ वो पहाड़ी वाले स्कूल से ना यार एक दिक्कत हो गया। अबे यार स्कूल पे क्या दिक्कत हो गया? अरे यार कुछ गुंडे लोग
लोगों ने ना यार स्कूल बस को चोरी करके सीधा यार पहाड़ी वाले एरिया पे ले गया। एंड स्कूल बस में यार स्कूल का स्टूडेंट्स भी था, वो सब लोग किडनैप हो चुके हैं। अभी वो लोग भाई पैसा मांग रही है स्कूल वालों से। अबे यार क्या बात कर रही है गाइस, आप लोगों ने सुना भाई माइकल ने क्या बताया कि यार जो अपना लॉस सैंटोस स्कूल था भाई पहाड़ी वाले एरिया पे गाइस, उस वाले स्कूल का बस गाइस यहाँ पर हाईजैक हो चुका है दोस्तों। एंड उस वाले स्कूल बस पे गाइस यहाँ पर भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स भी था एंड उन लोगों को किडनैप कर लिया गाइस उस गुंडे लोगों ने। एंड भाई अभी फिरौती मांग रही है, यानी गाइस उस वाले स्कूल से भाई पैसा मांग रही है एंड पैसा का बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, तब जाके छोड़ेगा वो सब स्कूल का बच्चे को। तो यार बता भाई माइकल क्या करना पड़ेगा अभी मुझे? अबे यार तुम्हें भाई कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तुम ही ये सब काम कर पाएगा। उसी वजह से तो पुलिस ने मुझे बोला कि यार माइकल का ये जॉब सौंप दो। अबे यार पुलिस ने मेरा नाम लिया? अरे यार हाँ पुलिस ने ही तुम्हारा नाम लिया एंड बोला कि यार फ्रैंकलिन को कॉल करके बोलो ये मिशन पे जाने के लिए एंड स्कूल के बच्चे को छुड़ा के ले आओ उन गुंडे वालों के हाथों से। अबे यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बाकी यार बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे यार तू जो बोलेगा तुझे वही मिलेगा, बस तू यार स्कूल के बच्चों को यार छुड़ा ले। और क्या, ठीक है तू जा जल्दी से, मैं तेरे फोन पे यार लोकेशन भेज दिया, ये देख व्हाट्सएप कर दिया। राइट एक मिनट में चेक करता हूं। हाँ भाई मेरा मेल पे यार लोकेशन आ चुका है, तो फिर मैं निकलू क्या यार लोकेशन पे? अरे यार हाँ तू निकल जा यार जल्दी से जल्दी निकल जा। बाकी यार माइकल मैं सोच रहा था तेरा कोई गाड़ी लेके जाऊँ क्या? अरे यार नहीं मेरा गाड़ी कोई भी मत लेके जाओ यार, तुम तुम्हारा ही गाड़ी लेके जाओ ना यार, बदले में तो तुम्हें गाड़ी मिल ही रही है यार, तुम्हें जो मांगोगे वही मिलेगा यार स्कूल वालों से। अबे यार चल फिर ठीक है, चल यार सिंचन जल्दी से जल्दी भाई चल, अपना भाई यहाँ पर जाना पड़ेगा वो वाला पहाड़ी एरिया पे जहाँ पर गाइस गुंडे ना वो सब बच्चों को यार यहाँ पर किडनैप करके रखा है दोस्तों। अपने को भाई जाना पड़ेगा उधर पे एंड गाइस वो सब बच्चे को छुड़ाना पड़ेगा, जल्दी आ जा सिंचन। अरे यार फेकी भैया रुको यार, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, देखो बाइक भी है, बाइक लेके चलो ना। अबे नहीं बाइक लेके नहीं जाएंगे यार, बाइक लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बाकी चलो पहाड़ी एरिया में जाएंगे ना यार, गाड़ी से ही ज्यादा अच्छा होगा। तू गेट क्यों नहीं लगाता यार सिंचन? अरे यार गलती से नहीं लगा पाया, येलो लगा दिया मैंने। ठीक है यार चल सही है। बाकी गाइस अभी अपने को ना भाई पहाड़ी एरिया पे जाना पड़ेगा जहाँ पर वो वाले गुंडों ने भाई सब यहाँ पर वो बच्चों को भाई कैद करके रखा है, तो गाइस अभी अपने को जाना पड़ेगा एंड वो सब बच्चों को भाई उन सब भाई किडनैपर के हाथों से छुड़ाना पड़ेगा। अपने को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है भाई ये मिशन। भाई अभी तक आप लोगों ने भाई ये चैनल पे नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। फिलहाल यार अपने को जाना पड़ेगा आराम से। बाकी आज मैं सोच रहा था यार कोई ना कोई एक टॉय कार बनाने के लिए, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार वो जो हम लोग भाई अभी बच्चे को छुड़ाने जाएंगे ना उधर पे जो स्कूल बस मिलेगा अपने को गाइस, उसी वाले स्कूल बस को दोस्तों हम लोग भाई ले लेंगे बदले में एंड गाइस उस गाड़ी को हम लोग टॉय कार में बना देंगे, टॉय बस में बदल देंगे, तो यार बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बाकी चलो अभी लोकेशन के नजदीक चलते हैं, देन गाइस आप लोगों से बात करते हैं। वैसे यार यही वाला लोकेशन तो मुझे बताया था, रूट नंबर 13 लेना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इधर से अपने को राइट टर्न लेना पड़ेगा एंड भाई प्लेटो बे से अपने को जाना पड़ेगा एंड प्लेटो बे का रास्ता भाई कौन सा है भाई ढूंढना पड़ेगा अभी अपने को। भैया ये देखो राइट तरफ जो बोल रहे हैं। हाँ यार इधर पे तो वैसे लिखा है गाइस, आप लोग देख सकते हो प्लेटो बे, वैसे हम लोग देखो लॉस सैंटोस को छोड़ के आ चुके पहाड़ी वाले एरिया पे एंड इधर से ही अपने को जाना पड़ेगा। चलो इधर पे चलते हैं एंड भाई वैसे मुझे माइकल ने बताया था भाई एक ट्रेकिंग एरिया है भाई एंड इधर पे कैंपिंग वगैरह होता है, तो यार वैसे तो मुझे भाई कोई भी बंदा ट्रेकिंग पे नहीं दिख रहा एंड ऊपर से यार कोई भी कैंपिंग वगैरह नहीं दिख रहा है। यार यहाँ पर रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, अपने को भाई सब बहुत ही ज्यादा आराम से जाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से जाके यार यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, वैसे कोई भी नहीं दिख रहा है यार सिंचन यहाँ पर तो। अरे यार फेकी भैया सामने देखो कैंपिंग हो रही है। हाँ यार वैसे तो यहाँ पर कैंपिंग वगैरह लगा हुआ है। एक मिनट गाइस मैं अपने गाड़ी को इधर पे रखता हूँ, सिंचन तू इधर पे रुक जा, मैं बात करता हूँ भाई ऊपर वाले बंदों से, ठीक है ना? अरे यार नहीं मैं भी आपके पीछे पीछे आऊंगा, वो चलो चलो जल्दी चलो। अबे यार ठीक है आजा। ऑल राइट, यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो डॉगी वगैरह भी है, वैसे यहाँ पर भाई कैंप फायर वगैरह कर रही है। एक मिनट में इन वाले भैया जी से पूछ लेता हूँ एक बार। अरे भैया जी मैं बता रहा था यहाँ पर ट्रेकिंग वाला रास्ता कौन सा है? अरे भैया ऊपर वाले साइड पे ना ट्रेकिंग एरिया है, वैसे यार ट्रेकिंग एरिया ना बहुत ज्यादा खराब है वो वाला रास्ता, तो मत जाइए उधर पे। अब यार ट्रेकिंग वाला रास्ता तो बोल रही है वैसे बहुत ज्यादा खराब है, तो उधर पे जाने के लिए मुझे मना कर रही है, लेकिन यार मैं तो अभी मिशन पे, मैं इन लोगों को बता भी नहीं पाऊंगा कि मिशन पे हूँ, तो गाइस अभी अपने को भाई अकेला ही जाना पड़ेगा, मतलब मैं और सिंचन जाएंगे। वैसे इन लोगों को अगर बता दूं तो क्या पता भाई ये लोग भी इन लोगों से मिला हुआ है किडनैपरों से, तो गाइस किसी को बताना नहीं है। बाकी चलो इधर से ही चलते हैं। एंड यार इधर पे तो भाई मुझे एक रास्ता तो वैसे दिख रही है, ये छोटा सा, क्या पता ये रास्ता हेवी या नहीं, बाकी यार मुझे खुद भी आइडिया नहीं है गाइस। चलो आराम से चलते हैं। वैसे देखो यहाँ पर गाइस लकड़ी वगैरह किसी ने तो गाड़ के रखा है एंड गाइस यहाँ पर देखो भाई यही ट्रेकिंग एरिया है गाइस, देखो भाई ट्रेक पे जा रही है यहाँ पर। अरे हट जा भैया, ये भैया लोग भाई ट्रेक कर रहे हैं भाई, इन
लोगों में हटा भी नहीं पाऊंगा। बाकी चलो यार मैं आराम आराम से चलता हूँ यार, इधर पे अपने को जाना पड़ेगा। वैसे स्कूल बस को अपने को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो जो किडनैपर था ना भाई, वो सब किडनैपर्स भाई वो वाला स्कूल बस को ही सीधा भाई किडनैप कर लिया, आई मीन हाईजैक कर लिया, जितना भी बच्चा था सब लोगों को उसके बाद किडनैप किया। तो यार अभी अपने को आराम आराम से जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी वैसे क्या सीन चल रही है क्या नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है ऊपर भाई क्या होगा। वैसे भाई मेरा लोकेशन पे तो दिखा रही है भाई, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी यार इधर पे भाई मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा यार। सिंचन देख रही है रास्ता कितना ज्यादा खराब है। अरे यार उसी वजह से तुम्हें बोला था पहाड़ी वाले एरिया पे जाएंगे तो बाइक लेके जाना ज्यादा सही हो गया। लेकिन यार बाइक पे हम लोगों को कोई भी गोली चला सकता है, लेकिन कार पे भाई कोई भी गोली चलाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार सिंचन। उसी वजह से तो मैं कार लेके आया ताकि अपने को ज्यादा दिक्कत ना हो। अरे यार ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था फ्रेकी भैया, लेकिन चलो चलो अभी जल्दी चलो ऊपर पे यार। हाँ यार वैसे जल्दी चलेंगे सिंचन, तू ज्यादा टेंशन मत ले। बाकी यार अभी तो हम लोग वैसे बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, लेकिन अपने को अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा गाइस। फिलहाल चलो इधर से गाइस आराम आराम से चलते हैं। इधर से यार पूरा लॉस सैंटोस दिख रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो भाई। ओ हो 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 भाई 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 अपना गाड़ी अभी पलटने वाला है। सिंचन तू एकदम भाई सीट बेल्ट पहन के रखा है ना। अरे यार फ्रेकी भैया मैं सीट बेल्ट पहन के रखा हूं, आप मेरा टेंशन मत लो यार, जल्दी से जल्दी भगाओ गाड़ी को। हां यार गाड़ी को तो भगाएंगे। बाकी वेट अ मिनट यार, इधर पे सिंचन मुझे कोई गाड़ी वगैरह दिखाई यार सिंचन। अरे यार मुझे तो नहीं दिखाई यार फ्रेकी भैया। रुक 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 मैं तुझे भी दिखाता हूं, अपने गाड़ी को इधर पे रखते हैं गाइस। एक मिनट यार इधर पे मुझे कोई तो गाड़ी एक दिखा यार। ऑल राइट गाइस यहां पर मुझे गाइस बस दिख चुका है गाइस, आप लोगों को दिखाता हूं यार। सिंचन तुझे दिखा क्या? अरे ये नहीं नहीं मुझे नहीं दिखा यार स्कोप, अब अपने बंदूक से ये थोड़ा सा जूम करो ना उसके बाद दिखाओ ना। हाँ यार मैं दिखाता हूँ तेरे को भाई, तू ज्यादा टेंशन मत ले। राइट तो गाइस यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर गाइस तीन तीन स्कूल बच्चे है गाइस, आप लोग देख सकते हो। एंड इधर पे भाई सारा किडनैपर्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, सब लोगों ने भाई घेर के रखा है। बाकी यहाँ पर गाइस आप लोग स्कूल बस भी देख सकते हो भाई, इसी वाले स्कूल बस से भाई इन लोगों का हाईजैक करके किडनैप किया भाई, ये सारा किडनैपर्स ने भाई। बाकी यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह भाई किडनैपर्स है गाइस, आप लोग देख सकते हो। चलो यार अभी मैं क्या प्लान बनाऊं। सिंचन तुझे दिखा क्या? अरे यार फ्रेकी भैया मुझे तो वैसे दिख गया, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रही है यार, अभी क्या किया जाए फ्रेकी भैया वो तो बताओ। अबे यार क्या किया जाए वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन सिंचन एक तो भाई आइडिया है मेरे पास वैसे। अरे यार कौन सा आइडिया वो तो बताओ। अबे यार सिंचन अबे देख भाई, एक तो भाई वहाँ पर किडनैपर्स भाई है भाई, एंड इधर पे देख 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 भाई ये सब लोग यहाँ पर ट्रेकिंग करने आ रहे हैं भाई, इन लोगों को क्या पता वहाँ पर सामने भाई किडनैपर्स है यार। सिंचन रुक जा भाई, मैं ना एक काम करता हूँ। अरे यार फ्रेकी भैया कौन सा काम? अबे देख ये देख मेरा हाथ पे मेरा स्टिकी बॉम्ब मैंने ले लिया, अभी स्टिकी बॉम्ब वहाँ पर डाल दूंगा एंड भाई मैं ब्लास्ट करूंगा तो भाई ये लोग ना डर जाएगा, उसके बाद भाई इधर उधर भाग जाएगा, तो सिंचन में भाग जाएगा। तो बाकी यार सिंचन देख रही है मैं वहाँ पर स्टिकी बॉम्ब डाल दिया, तू अभी इधर पे आ जा। अरे यार फ्रेकी भैया रुको रुको मेरे लिए रुको यार, अब गिर मत जाना। अबे नहीं नहीं मैं गिरूंगा नहीं, तू ऊपर आ जा सबसे पहले। अरे यार मैं तो आ गया यार फ्रेकी भैया, अभी क्या करोगे? अबे यार अभी मैं ब्लास्ट करूंगा इसको, यार अभी मैं ब्लास्ट करूंगा इसको, ये देख। सो 3 2 1 लो भाई यहाँ पर ब्लास्ट किया भाई, उसके बाद भी यार इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा सिंचन देख रही है। अरे यार ये लोग गुंडे लोग, इन लोगों को कैसे पता चलेगा? काम करो ना पीछे वाले साइड से चलो एंड इसके बाद उसको मारो। हाँ यार वैसे तो पीछे वाले साइड से गाइज हम लोग जा सकते हैं इधर के पहाड़ी का जो साइड वाला एरिया गाइज इधर से। सिंचन तू आ रही है क्या मेरे पीछे पीछे? अरे यार बिल्कुल बिल्कुल फ्रेकी भैया मैं भी आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ यार, मेरा टेंशन मत लो। अबे यार रुक जा रुक जा रुक जा, वैसे तो यहाँ पर गाइज है लेकिन यार वो यार गलत सीन यार मैं गिर गया। ओ भाई गलत सीन हो गया गाइज, अबे यार मैं गिर गया। सिंचन तू ध्यान से नीचे आना। अरे यार रुके रुके फ्रेकी भैया मैं आ रहा हूँ आपके पास। अबे गिर मत जाना। अरे यार नहीं 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 गिरूंगा यार फ्रेकी भैया, अभी कैसे ऊपर हो गया? अबे यार वो तो मैं आ जाऊंगा, तू उसका टेंशन मत ले। बाकी यार इधर से कोई भी नहीं दिख रहा गाइज, एक भी बंदा दिख जाए ना यार मैं इन लोगों का खोपड़ी खोल दूंगा ऊपर से। बाकी चलो यार मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ यार ऊपर जाने के लिए। सिंचन तू कहाँ पर है वैसे? अरे यार मैं तो यार ऊपर ही हूँ यार फ्रेकी भैया, मैं आपके लिए रुका ही हूँ। अबे हाँ तू ऊपर ही रुक जाना, मैं बाकी यार तेरे पास आ रहा हूँ ठीक है धीरे धीरे। अरे यार ठीक है ठीक है। राइट तो यार ऐसे तैसे कैसे भाई, मैं तो यहाँ पर गाइज चढ़ चको वापस से। बाकी यार इधर पे भाई सब मुझे दो तीन बंदा दिख, यहाँ पर वैसे मुझे दो तीन बंदा दिख चुका है गाइज, आप लोग देख सकते हो। तो एक काम करते है भाई, एक एक करके इन लोगों का खोपड़ी खोलते है। एक को दिया गाइज, वो यार इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा गाइज, आप लोग देख रहे हो भाई हम लोगों ने तीन तीन बंदे को यार निपटा दिया। बाकी यार मैं वापस से यार गलत तरीके से गिर गया यार सिंचन। अरे यार फ्रेकी भैया वो लोग ढूंढ रहे हो, लेकिन यार उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आप नीचे हो। अबे यार कैसे पता चलेगा, मैं तो बार बार इन लोगों को मार के भाई गलती से नीचे गिर जा रहा हूँ। बाकी चलो गाइज फटाफट मैं ऊपर चढ़ता हूँ अभी। ऑलराइट तो गाइज ऐसे तैसे मैं कैसे ऊपर आ चुका हूँ। सिंचन तू मेरे पीछे रहना ठीक है ना।
अरे ये ठीक है फ्रेकी भैया, मैं बिल्कुल आपके पीछे हूँ। बाकी गाइस यहाँ पर देखो, ये लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन लोगों को क्या पता चलेगा गाइस कि मैं यहाँ पर भाई इन लोगों को छुप छुप के मार रहा हूँ। भाई अभी तक नहीं पता चला इन लोगों को कि यार अभी मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई पता चल गया सिंचन हट जा। अरे ये रुके फ्रेकी भैया मुझे मार देगा। अबे यार भाई साहब मैंने मार दिया फाइनली गाइस को। वो यार अभी तक जिंदा है गाइस, आप लोग देख सकते हो यार ये बंदा अभी तक जिंदा है गाइस। चलो फाइनली भाई एक बार कंफर्म कर देता भाई इन लोगों को मार के गाइस। चलो फाइनली मैंने इसको मार दिया। अरे यार अंकल आप कौन हो यार, मुझे मारोगे क्या? हम तीनों को छोड़ दो यार अंकल, हम लोगों को किडनैप किया था इन लोगों ने। अरे यार बच्चे मैं तुम लोगों को बचा नहीं आया हूँ यार, मुझे पुलिस ने भेजा था भाई, मैं CID से हूँ। अरे यार अंकल क्या बात कर रहे हो, आप CID से हो तो हम लोग उठ जाए क्या? हाँ हाँ तुम लोग उठ जाओ भाई। अरे यार थैंक यू सो मच अंकल हम लोगों को बचाने के लिए, प्लीज हम लोग को अपने घर पे छोड़ दो ना अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। अबे यार मुझे तो पुलिस नहीं भेजा है गाइस। अभी मैं तुम लोगों को ना एक काम करूंगा, पुलिस स्टेशन में छोड़ दूंगा, तुम लोग अपने मम्मी पापा को फोन लगाना, उसके बाद यार अपने मम्मी पापा से घर चले जाना ठीक है ना, क्योंकि अभी मुझे भाई तुम लोगों को पूरा भाई भेजना है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि यार मेरे ऊपर भाई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है तुम लोगों को। बाकी इन लोगों को पता ही नहीं है गाइस यहाँ पर भाई किडनैपर हो गाइस, तो अभी देखो यहाँ पर ट्रेकिंग करना आ रही है, तो जल्दी से जल्दी बैठ जाओ तुम लोग यार बच्चे, नहीं तो यार बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। बाकी सारा यहाँ पर गुंडे लोग भी आ जाएगा, क्योंकि यार ये लोग भाई बहुत ज्यादा साथी रहे, यहाँ पर और भी बहुत सारा गुंडा आ जाएगा, जल्दी बैठ जाओ। अरे यार अंकल रुके मैं बैठता हूँ। अरे यार भाई ये लोग बैठ जाओ, जल्दी से जल्दी बैठ जाओ, बस पे एक एक करके सारे लोग बैठ जाओ। अरे यार बैठता हूँ बच्चे बैठता हूँ, रुको बच्चे तुम भी बैठ जाओ यार। भाई यार वो बैठ जाएगा अभी, सबसे पहले तुम लोग बैठ जाओ ना। अरे यार बैठ जाऊंगा रुको बैठता हूँ यार भैया बैठता हूँ, जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पे भेजो हम लोग। भाई यार सिंचन जल्दी बैठ जा। अरे यार फेकी भैया रुको बैठता हूँ यार, जल्दी से रुको। अरे यार फेकी भैया मैं अभी बैठ गया, जल्दी चलो। अबे यार यहाँ पर कहाँ से भाई, यहाँ पर बहुत सारा गुंडे लोग आ चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। वो यार गलत ही सीन, इन लोगों को मारना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। अरे यार अंकल जल्दी भागो ना यार, हम लोग के ये वाले गुंडे लोग वापस से पकड़ लेगा, जल्दी भागो यार अंकल। अबे यार भागूंगा, तू उसका टेंशन मत ले यार बच्चे, मैंने यार पुलिस से जिम्मेदारी लिया है तुम लोग को बचाने के लिए, मैं तुम लोग को बचा के ही घर लेके जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो यार। अभी सबसे पहले तुम लोगों को भाई बहुत ज्यादा स्पीड से मुझे पुलिस स्टेशन में पहुंचना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में भेजना पड़ेगा यार तुम लोगों को, उसके बाद मुझे भी यार बहुत ज्यादा राहत मिलेगा गाइस, क्योंकि आप लोगों ने सुना था यार, क्योंकि गाइस मैं बता ही देता हूँ कि यहाँ पर अपने को ना सबसे पहले ये सब बच्चे लोगों को यार। चलो गाइस अभी फटाफट भाई यहाँ से पहाड़ के ऊपर से चलते हैं दोस्तों, एंड ये सब जितना भी बच्चे लोग आप लोग देख रहे हो बस के अंदर बैठा है भाई, इन लोगों को ना मुझे भाई भेजना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रास्ता का हालत बहुत ज्यादा खराब है गाइस, अपने को आराम आराम से जाना पड़ेगा यहाँ पर भाई, रास्ता ना बहुत ज्यादा गंदा है। वैसे यार बच्चे यहाँ पर वो सब गुंडे वगैरह बस को कैसे चला के ले आया? अरे यार अंकल क्या बताओ, वो लोग इतने ज्यादा जोर जोर से यार शॉर्टकट वगैरह ले लेके यार वहाँ पर पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया यार, क्या बताओ अभी आपको। हाँ यार वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, इतना बड़ा सा बस को लेके यार कहाँ पहाड़ के ऊपर भाई यहाँ पर चला गया था, आप लोगों ने भी गाइस देखा। बाकी चलो अभी गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर कैंपिंग वाले एरिया पे गाइस आ ही चुके हैं, एंड अभी गाइस इधर से अपने को ना ये बस को सबसे पहले उतारना पड़ेगा आराम आराम से, एंड इधर पे देखो भाई सारे लोग कैंपिंग कर रही है, एंड भाई चलो फाइनली गाइस हम लोगों ने गुंडे को हाथों से गाइस ये वाला भाई सब बच्चे लोगों को बचा लिया, अपना लॉस एंटोस स्कूल वाले बच्चे था गाइस सारे लोगों को बचा लिया, आई मीन सारे बच्चों को बचा लिया हम लोगों ने, एंड गाइस फाइनली ये वाला बस अभी मेरा हो जाएगा गाइस, एंड मैं सोच रहा हूँ ना गाइस इसी वाले बस को आज मैं टॉय बस बना दूं गाइस, सिंगल सीटर टॉय बस बना दूं गाइस, बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रही है भाई इस बस को चलाने में, बाकी चलो यार फाइनली हम लोग रोड पे आ चुके हैं, अभी गाइस अपने को फटाफट ये सारे बच्चे को गाइस पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ेगा, तो चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, अभी भाई पुलिस स्टेशन पे चलते सबसे पहले। वैसे दोस्तों फाइनली देखते हम लोग गाइस अपने लॉस सैंटोस के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, बस अभी भाई थोड़ी देर में अपना हाईवे भी खत्म हो जाएगा, एंड हम लोग अपने लॉस सैंटोस गाइस एरिया पे पहुंच जाएंगे, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर हम लोग जाएंगे लॉस सैंटोस गाइस यहाँ पर अपना पुलिस डिपार्टमेंट पे, एंड भाई इन सारे बच्चों को ड्रॉप करके गाइस सीधा इस बस को लेके जाएंगे अपना बेनी का गैरेज पे, क्योंकि यार इसे तो इसके बाद अभी हम लोग बनाएंगे यार अपना टॉय बस। बाकी यार यहाँ पर माइकल ने भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा तो काम दिया था, लेकिन चलो उसने बताया भी था मेरे को कि यार ये मुश्किल काम करके यार मैं कोई भी चीज ले सकता हूँ यार यहाँ पर अपना स्कूल वालों से, यार स्कूल के तरफ से भाई मैं स्कूल बस को ही ले लिया यार, क्योंकि मेरे पास अभी तक यार स्कूल बस का यार कोई भी टॉय कार नहीं, आई मीन टॉय बस नहीं है, तो मैंने सोचा यार यहाँ पर आज इसी वाले स्कूल बस को यार टॉय बस पे बदल दे। बाकी चलो यहाँ
यहाँ से और ज्यादा दूर नहीं है गाइज अपना लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट। वैसे यार बस को चलाने में ना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है गाइज, यहाँ पर मैं बहुत दिनों के बाद इतना सा बड़े साइज का बस को चला रहा हूँ। सिंचन तू खुशी है ना भाई, आज हम लोग भाई इसे बनाएंगे अपना टॉय बस। अरे यार फेकी भैया खुशी, मतलब मैं तो यार बहुत ज्यादा खुशी हूँ कि यार आज हम लोग इसे बनाएंगे टॉय बस। हाँ यार खुशी तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ। बाकी यार चलो गाइज फाइनली हम लोग वैसे तो आ चुके हैं यहाँ पर अपने लॉस सैंटोस डिपार्टमेंट पे, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पुलिस का कार्स वगैरह भी रखा हुआ है। चलो चलो बच्चे सब लोग उतर जाओ। अरे यार अंकल रुको रुको, उतरते चलो 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 जल्दी से पुलिस स्टेशन में चलते दोस्तों। अबे यार हाँ सब लोग पुलिस स्टेशन में आ जाओ। गाइस फाइनली हम लोगों ने इस बच्चे को भाई यहाँ पर बचा लिया गाइस इन वाले गुंडों के हाथों से। एंड गाइस फाइनली हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो। सिंचन उन लोगों को लेके आ जा। अरे यार फेकी भैया वो लोग मेरे पीछे ही आ रही है बच्चे लोग। अबे यार उससे भी बच्चा तू है यार सिंचन। यार मेरा मतलब भाई ये लोग आ रही है मेरे पीछे। हाँ यार अभी यहाँ पर पुलिस भाई कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर पुलिस वालों को तो मुझे दिख नहीं रहा। एक मिनट भाई मैं पुलिस वाले भाई साहब को फोन करता हूँ हेड डिपार्टमेंट में, एंड कॉल करके बुलाता हूँ एक बार, एंड उन लोग को आने देते हैं गाइस। यार फ्रैंकलिन का कॉल आ गया, चलो चलो मैं बाहर चल के देखता हूँ। यार ऑफिस के अंदर ही था मैं फिलहाल, यार देखता हूँ फ्रैंकलिन का है। ये रहा फ्रैंकलिन। अरे यार फ्रैंकलिन आज तो तुमने मुझे बचा लिया यार, ये सब बच्चे को यार बचा के मेरा जान में जान आया फ्रैंकलिन, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो मुझे यार स्कूल वालों ने कहा था कि मैं इन बच्चों को अगर बचा लू तो मुझे यार स्कूल की तरफ से कोई भी गिफ्ट मिलने वाली है। तो मैंने सर जी ये जो स्कूल का बस होता है ना, मैंने उस वाले स्कूल का बस ही अपने गिफ्ट हिसाब से ले लिया, चलेगा ना? अरे यार चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी बच्चे लोगों को यहाँ पर ही तुम छोड़ के चले जाओ, मैं इन लोगों का मम्मी पापा को फोन करके बुलाता हूँ एंड ये सबको ले जाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है ना? अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल सर जी, उसी वजह से तो मैंने आपको फोन किया। ठीक है चलिए सर जी फिर बाद में मिलते हैं। अरे ठीक है जाओ जाओ। फ्रैंकलिन थैंक यू सो मच यार, मैं तुमसे कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाकी यार तुम्हें कोई भी कभी भी काम होगा मुझे जरूर बताना, ठीक है फ्रैंकलिन? अरे सर जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर बताऊंगा, ठीक है चलिए बाय। ऑलराइट तो दोस्तों फाइनली चलो पुलिस वाले से बात हो गया, आई मीन पुलिस वाले ऑफिसर से। एंड गाइस अभी उन बच्चे को उधर पे ही छोड़ दिया, उन लोगों का मम्मी पापा आके उन लोगों को ले जाएगा। बाकी चलो गाइस आज एक अच्छे काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रही है, ऊपर से देखो अपने को गिफ्ट भी मिल गया। अब से ना हम लोग भाई अच्छे से अच्छे काम करेंगे गाइस, एंड ये सब करके भाई गिफ्ट सबसे लेंगे एंड बोलेंगे भाई अपने को गिफ्ट दे दो, एंड उन सब गाड़ी को भाई यूनिक से यूनिक बनाएंगे दोस्तों। बाकी चलो यार सिंचन जल्दी बैठ जा। अरे यार फेकी भैया रुको रुको, बैठता हूं अभी कहां पर जाऊं क्यों वो तो बताओ। अबे यार अभी कहां पर जाएंगे, मतलब अभी तो जाएंगे सीधा बेनी का गैरेज पे। गाइस एक काम करते सबसे पहले बेनी का गैरेज का लोकेशन मार्क कर लिया हम लोगों ने, वैसे इधर से ज्यादा भी दूर नहीं है गाइस बेनी का गैरेज, बस थोड़ा सा दूर है गाइस, लगभग 600 मीटर दूर होगा, तो इधर से अपने को राइट लेना पड़ेगा। एंड गाइस आज हम लोग फाइनली यार हम लोग बनाएंगे यार इस वाले गाड़ी को, आई मीन इस वाले बस को टॉय बस। यार बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। फिलहाल चलो इधर से हम लोगों ने वापस से राइट ले लिया गाइस, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी गाइस वैसे हम लोग सीधा जाएंगे यार, ज्यादा भी दूर नहीं अपना बेनी का गेट। एंड गाइस आज आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे बताना, यहाँ पर देख रहे हो गाइस अभी तक यार। गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, आप लोगों को भी यहाँ पर एक सीख मिला आई थिंक क्यू गाइस, यहाँ पर किसी वक्त भाई कभी भी अपने स्कूल का बस बोल। चलो यार गाइस फाइनली हम लोग गाइस यहाँ पर आ चुका अपने बेनी का गैरेज पे। वैसे इस बस को अंदर ले जाना थोड़ा सा तो मुश्किल का काम है, बाकी कोई नहीं यार मैं तो यूज टू हो चुका हूँ ये सब भाई कार्स वगैरह चला के। बाकी ये लो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके अपना बेनी का गैरेज पे, अभी बेनी को भाई बुलाते हैं सबसे पहले। एंड गाइस यहाँ पर कितना सुंदर दिख रही है यार, वैसे चल यार सिंचन उतर जा। अरे यार फीकी भैया बेनी भैया के जल्दी से बुलाओ ना यार, मुझे भूख लगे बहुत ज्यादा। अबे तो यार सिंचन तू एक काम कर, तू ना घर चले जा यार बेनी के पास से कोई एक गाड़ी लेके, एंड मैं तब तक यार इस वाले बस को ना अपना टॉय बना के यार घर पे चलता हूँ, ठीक है ना? तू जा घर के जा पे, तू जा अभी घर पे, एंड घर पे जाके कुछ खाना वगैरह खा ले, मैं थोड़ी देर में बेनी को बुला के ये सब गाड़ी का काम कर लेता हूँ, ठीक है? अरे ये ठीक है फिर मैं चलता हूँ यार फेकी भैया। ठीक है यार तू चले जा फिर। अरे ये चलो यार चाय वगैरह पी के बहुत ज्यादा मजा आ गया यार, काम में इतना ज्यादा भाई काम रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलता, चलो गैरेज पे चलते हैं यार। अरे यार ये किसका बस है यार, किसने यार मेरे गैरेज पे बस लगा दिया यार, कौन है यार मेरे गैरेज पे कौन है? अबे यार बेनी मैं हूँ यार फ्रैंकलिन। ओ यार फ्रैंकलिन तू है क्या यार, बता बता यार कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे यार बेनी देख भाई मैं कैसा चीज लेके आया हूँ यार। अरे यार ये तो मैंने ऑलरेडी देख लिया यार, तूने स्कूल बस लेके आया यार, किसका स्कूल बस चुरा के ले आया आज तूने? अबे यार चुरा के नहीं ले आया भाई, बहुत ही बड़ा सा कहानी है भाई, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। लेकिन यार बेनी मैं सोच रहा हूँ ना इस वाले बस को यार टॉय बस बनाने के लिए। अरे
नहीं यार, हो जाएगा, टॉय बस बना दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर इतना सारा सीट वगैरह है, ये सब सीट वगैरह उतर के यार एक सीट कर दूंगा ना, या दो कर दूं? नहीं नहीं भाई, एक ही सीट कर देना, दो करने में ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। बाकी यार कब तक मिल जाएगा भाई? अरे यार मिल जाएगा तुम्हें भाई, अभी मिल जाएगा। वैसे तुम घर भी जा सकते हो, एंड हो सके तो मेरे ऊपर वाले कमरे पे रुक जाओ। यार क्या, ठीक है यार, फिर मैं ऊपर वाले कमरे पे वेट करता हूँ। अरे यार ठीक है, तुम ऊपर वाले कमरे में वेट करो, तब तक मैं गाड़ी का काम स्टार्ट कर देता हूँ। चलो गाइस गाड़ी का काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैसे गाइस यहाँ पर मैं सुसु करने आया था गाइस, एंड फाइनली गाइस अपना गाड़ी बन के रेडी हो चुका है, अपना बस बन के रेडी हो चुका है। एंड गाइस आप लोगों के जैसा छोटा सा नन्ना सा यार हम लोगों ने स्कूल टॉय बस बनाया, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे छोटे छोटे क्यूट बच्चों के लिए। तो गाइस आप लोग रेडी हो ना? सो यार 3, 2, 1 एंड गाइस हियर इज आवर न्यू टॉय स्कूल बस। गाइस आप लोग देख सकते हो यार, गाइस कितना ज्यादा खतरनाक एंड सुंदर दिख रही है गाइस। वैसे मैंने बेनी को भाई सारा पैसा वगैरह पेमेंट कर दिया गाइस, एंड यार फाइनली अभी हम लोग इस वाले अपना टॉय स्कूल बस को ले जा सकते हैं गाइस अपना घर पे। यार गाइस वैसे आप लोग बताना यार अपना टॉय स्कूल बस कैसा दिख रही है गाइस, एक बार प्लीज 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 जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल यार स्कूल बस का फ्रंट लुक तो देखो गाइस कितना ज्यादा सुंदर है। तो गाइस अभी ज्यादा वेट ना करके चलो यार अभी बैठते भाई अपना टॉय स्कूल बस को, एंड गाइस अपना सिंचन को दिखाते। वैसे सिंचन ने गाइस अभी तक नहीं देखा अपना टॉय स्कूल बस, एंड गाइस वो अगर देखेगा ना अपना टॉय स्कूल बस वो भाई सीधा हैरान हो जाएगा, क्योंकि गाइस आप लोग खुद देख सकते हो यार अपना ये टॉय स्कूल बस देखने में कितना ज्यादा सुंदर है। वैसे गाइस मैंने सोचा ही नहीं था यार अपना ये टॉय स्कूल बस इतना भी ज्यादा सुंदर दिखेगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत है गाइस, लिटरली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड देख रहे हो गाइस ये सब बेगड़ वगैरह भाई यहाँ पर भाई दौड़ दौड़ के गाड़ी के सामने आ जाते हैं, एंड भाई पैसा लेने के लिए। यार अभी क्या किया जाए, वो भाई उसको देखने के चक्कर में यहाँ पर एक्सीडेंट हो जा रहा था। बाकी यार चलो कोई नहीं, अभी सामने देख के अपने बस को चलाते हैं। गाइस आप लोगों को कैसा लग रही है अपना छोटा सा नन्ना सा टॉय स्कूल बस, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लग रही है गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लग रही है प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। वैसे चलो इधर से और ज्यादा दूर नहीं अपना घर, एंड गाइस मैं तो भाई तब से यार बेताब हो रहा हूँ सिंचन को अपना ये टॉय स्कूल बस दिखाने के लिए। वैसे मैं ज्यादा स्पीड से भी नहीं चला पाऊंगा, नहीं तो यार वापस से एक्सीडेंट हो जाएगा, वो तो आप लोगों को पता ही है। गाइस कोई नहीं, चलो यहाँ पर आराम आराम से चलते गाइस, एंड दिखाते अपना सिंचन को। वैसे सिंचन देखेगा ना वो बोलेगा अब से मैं यही वाला स्कूल बस को लेके जाऊंगा अपने स्कूल पे, क्योंकि यार इतना छोटा सा जो है यार क्यूट देखने में है ना, उसी वजह से। बाकी चलो कोई नहीं, अभी इधर से और ज्यादा दूर नहीं, बस इधर पे हम लोग पहाड़ी वाले एरिया पे गाइस फाइनली आ चुके हैं गाइस, आप लोग देख ही सकते हो। एंड इधर पे भाई अपने को जाना पड़ेगा अभी राइट टर्न गाइस। वैसे आप लोग भाई कौन कौन पहाड़ से ये वीडियो देख रही हो जरूर बताना, मतलब कि कौन कौन भाई पहाड़ पे रहते हो प्लीज मुझे जरूर बताना भाई यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। लाइक भाई जो लोग यहाँ पर दार्जिलिंग में रहते हैं, जो लोग सिक्किम में रहते हैं, जो लोग गाइस नैनीताल में रहते हैं, जो लोग हिमाचल में रहते हैं, मतलब जो लोग भी पहाड़ के ऊपर रहता है यार जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि गाइस आप लोग बताना कि फ्रैंकलिन भैया मैं यहाँ पर इस वाले पहाड़ पे रहता हूँ, मतलब आप लोग को सिटी का नाम बताना जरूर। बाकी यार मेरा घर भी पहाड़ के ऊपर है गाइस, आप लोग देख सकते हो, ज्यादा ऊपर नहीं है पहाड़ के, बस थोड़ा सा ऊपर ही मेरा घर है, आप लोग देख सकते हो पहाड़ के। लेकिन यार बहुत ठंडा ठंडा हवा चलती है जब हम लोग पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है भाई पहाड़ के ऊपर ठंडा रहता है, उसी वजह से। बाकी यार सिंचन तो इधर पे नहीं है, वो आई थिंक रेस्ट कर रहा होगा भाई यहाँ पर रूम पे। तो एक मिनट गाइस मैं सिंचन को सबसे पहले बुलाता हूँ, एंड उसको दिखाता हूँ यार अपना ये वाला बस। यार वो देख के ना भाई पूरा खुश हो जाएगा यार, रुको अभी उसको भाई फोन करके ही बुला लेता हूँ। ऑलराइट तो यार फाइनली मैंने सिंचन को तो फोन करके बुला दिया, बाकी अभी देखते उसको आने देता है। गाइस अपना स्कूल बस वैसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखने में है। यार फेकी भैया हाँ यार मैं आ गया यार, ये देख अपना स्कूल बस। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार। हाँ भाई खूबसूरत तो है भाई, मानना पड़ेगा। वैसे यार सिंचन एक थोड़ा सा छोटा सा राइड लेगा क्या? अरे यार नहीं नहीं अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, अगर मैं राइड लूंगा तो यार मैं ठोक दूंगा। ठीक है तो भाई तू बाद में ले लेना। बाकी यार तू बता इस बस को कितना रेटिंग देगा भाई, 10 में से कितना देगा जरूर बता। अरे यार मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा दोस्तों, अगर आप लोग भी 10 में से 10 भी देना चाहते हो तो जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ यार अगर आप लोग भी चाहते हो भाई ये वाला बस को 10 रेटिंग देने के लिए, तो यार गाइस आप लोग भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड उसके बाद गाइस 1 घंटा आएगा सब्सक्राइब करके, तो देखो उसके बाद ही गाइस 1 घंटा आएगा। तो वो जो व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रही है दोस्तों, उसे आप लोग दबा के यार चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद 1 घंटा आएगा गाइस।
गाइस उस घंटे को दबा के यार ऑल पे कर लो ताकि जब भी नया वीडियो आए गाइस आप लोगों को तुरंत मिल जाए। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय दोस्तों। बाकी आई लव यू ऑल बॉयज।